आठ आए हैं, उसमें से पांच बीजेपी के पास हैं। ये अभी पार्टी वाइज ये भी डिवाइड कर रहे हैं, अभी 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 उनकी अपडेट हुई है। और मैं आपको बता रहा हूँ प्रियंका, और ये पंकजा मुंडे आगे चल रही है, वो हमारे पास आया है तमिलनाडु चेन्नई साउथ से, तमिलनाडु चेन्नई साउथ से। तमिल साई सौंदराजन जो गवर्नर थी रिजाइन करके इलेक्शन लड़ा, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, अभी आगे चल रही। और काराकाट की सीट जो पवन सिंह से चर्चा में आई, वहां वो ट्रेल कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इज लीडिंग ऑन काराकाट। ओके, ये एक बहुत बड़ी खबर है। एनडीए हाफवे मार्क पार कर चुकी है। एनडीए इस वक्त ने एनडीए हाफवे मार्क से काफी आगे है, 360 सीट, सॉरी सीट टैली हाफवे मार्क पार कर चुकी है, और एनडीए 200 क्रॉस कर चुकी है। बिल्कुल, यानी कि एक दो तिहाई की बहुमत है इस वक्त। अगर ये मेंटेन रहे दो तिहाई की बहुमत, तो एनडीए 340-350 पार इजिली करेगी। ऐश्वर्या, ऑल्सो एक दर्शकों को बता दें कि कहां कहां से हमें ईवीएम के आंकड़े भी आना शुरू हो गए। जैसे मैं देख रहा हूं बारामती से महाराष्ट्र में, राजानंद गांव से छत्तीसगढ़ में, हमारे पास नवसारी से गुजरात में, हमारे पास और मैं देख रहा हूं आंकड़े कहां कहां से, जो ईवीएम के आंकड़े आने लगे, तेलंगाना से, मुंबई की लगभग सभी सीटों से ऐश्वर्या ईवीएम के आंकड़े आने लगे हैं। ईवीएम आगे ना, टोटल नंबर एक बार दोबारा देखिए। गुजरात बीजेपी स्वीप इस वक्त 24-26 में से गुजरात बीजेपी स्वीप। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, और इसे मैं टोटल नंबर्स बता रहा हूं। एनडीए 232, 232 दर्शकों, मार्केट 232, टाइम देख लीजिए 839 है, चेंज करते हैं 233 हो गया, इट इज चेंजिंग रियल टाइम 233। बीजेपी की तमिलसाई चेन्नई साउथ से आगे, जो पहले तेलंगाना की गवर्नर थी, बहुत बड़ी खबर है, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी ने पकड़ बनाई हुई है। वोट शेयर तो हमारे पास नहीं है, चेन्नई साउथ इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी। किशोर जल्दी से चेन्नई साउथ पर कुछ कहे, ये बहुत बड़ी खबर है। किशोर सुब्रमण्यम, but this time Tamil Nadu BJP is entering, ye bahut badi thing is that 3 seats bahut badi khabar winning and NDA big is news. Getting 4 to 7 seats, big news for sure. Tamil Nadu is a breakaway thing and BJP is getting 50%. Hindi mein dekhiye, bahut bahut Tamil Nadu dekhiye, chain interesting hone wala hai, lekin main aapko bata raha hu Uttar Pradesh mein Bagpat Ishwar hai, bahut badi khabar aa rahi, badi khabar aa rahi, Pappu Yadav Purnia se lead kar rahe hain, Pappu Yadav Rahul Gandhi ne dhoka diya tha, lad rahe the, बुला के टिकट नहीं दिया था, और अगर ये जीतते तो बड़ी बात होगी। बागपत उत्तर प्रदेश से आरएलडी और बीजेपी के जॉइंट कैंडिडेट राजकुमार सांगवान आगे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश से। टोटल बीजेपी 51 सीटों पे आगे। पाटलिपुत्र बिहार से अभी खबर आई है कि रामकृपाल यादव बीजेपी के लीड में है, और आरा से भी खबर है आरके सिंह भी लीड में है, तो बिहार की छवि बदल रही है। आप देख रहे हैं एनडीए 21 इंडी 6, और वहां पे बिहार के लीड अमित शाह गांधीनगर से लीड पकड़े हुए हैं इस वक्त। अभी खबर गांधीनगर से आई है, और मनसुख मंडाविया पोरबंदर से लीड में, गुजरात के नंबर आ रहे हैं। अशोक तंवर सिरसा से हरियाणा से अशोक तंवर ने लीड पकड़ी हुई है, और वहां पे जो दुष्यंत सिंह चौटाला की जो माताश्री है नैना सिंह चौटाला जी, वो ट्रेल कर रहे हैं हिसार हरियाणा से, यानी कि हरियाणा की खबर पूरी तरह से प्रो बीजेपी है। मंडी में कंगना रनौत की लीड बढ़ चुकी है, जो पहले राउंड में पहले खबर लग रहा था कि वो थोड़ी सी पीछे है। डीके सुरेश कांग्रेस पार्टी के अभी लीड में आ गए बैंगलोर में। और अगर मैं पूरी ट्रेंड देखूं, एक बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इलेक्शन काउंटिंग तो होती रहेगी, मगर जो मेरे पास खबर है, मैं 200 जगह रैलीज हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, और वो जो इनिशियल ट्रेंड्स मैं देख रहा हूं, उनमें से 28 के नंबर मेरे पास है, 16-17 में वहां पे बीजेपी आ गया है, कांग्रेस 4 में, टीएमसी 3 में, एसपी 2 में, सीपीएम 2 में, और डीएमके 1 में। जहां पे नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रेजेंस रखी है टफ सीट्स बीजेपी की, वहां बीजेपी जूम इन कर रही है इनिशियल ट्रेंड्स पे। इलेक्शन कमीशन 25 सीट्स के ट्रेंड नंबर्स बहुत फास्ट हो चुके हैं। ऐश्वर्या बड़ी बात है, हाफवे मार्क से हम सिर्फ 11 सीट दूर है, हम 11 सीट दूर है, 11 सीट सिर्फ 11 काउंटिंग के लिए 160 सीट बाकी है, और 11 सीट का गैप है, यानी कि एनडीए सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बार नंबर्स दोबारा बता, दो बड़ी खबर है ऐश्वर्या, 261 इंडी 106, आदर्श 15 आदर्श मिला भी लीजिए तो भी 100 का गैप से ज्यादा है, 150 ज्यादा का गैप है। महाराष्ट्र में
जी मैं कहा था 9 बजे के पहले हम ट्रेंड बता देंगे और हम इलेक्शन को कॉल कर देंगे। इस वक्त वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। दो सीट बाकी है, एनडीए 270 में है, 391 के सीट आए। आप देखिए एनडीए इस लेवल पे हो गया, एनडीए हाफ पे मार्क पार कर चुकी है, एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ पे मार्क दोस्तों, एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ पे मार्क और एनडीए 350 370 के तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले रही है। और जो मुझे दिख रहा है सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़ के सब जगह में टोटल एनडीए स्वीप हो रही है। इसको अगर एनालाइज किया जाए, जो मैंने एनालाइज किया था, 5% वोट शेयर आप देख लीजिए एनडीए की बढ़ेगी, 5% वोट शेयर इस इलेक्शन में। सोहेल, एनसीपी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, बारामती से ब्रेकिंग न्यूज, एनडीए हाफ पे मार्क क्रॉस कर चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज प्लेट चला दीजिए दोस्तों जी। 287 अर्नब हो गया, 414 में 287 पहुंच गई है एनडीए और 113-14 पर इंडी है। ये बता रहा है कि 300 पार आसानी से हो रहा है, ये क्या 350 तक जाने वाला है? 350 क्रॉस करेगा ये मैं क्लियरली आपको कह सकता हूं, इस पे कोई डाउट मत रखिए। और ये याद रखिए विनर टेक्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट है। विनर टेक्स ऑल में आप देखेंगे 9:30-10 बजे के बाद ये गैप बढ़ती है। आप प्लीज इसको मत देखिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को भी क्लोजली आप वॉच कीजिए। पोस्टल बैलेट अभी तक आई है, जो मैं देख रहा हूं मुझे 360-370 के ऊपर एनडीए दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो मोदी वेव दिख रहा है एनडीए। जितने उत्तर प्रदेश में जो 62 सीटें मिली थी, अभी 10 सीटें काउंटिंग बाकी है और 60 पार कर चुकी है एनडीए। आप एनालाइज कीजिए राष्ट्रीय स्तर पर इसका एनालाइज। इलेक्शन है, वेव नहीं है किसी तरीके की, ये तो मोदी वेव है तो क्या है? इट्स अ क्लियर एंड ओपन मोदी वेव। जितेंद्र राम मांझी गया से आगे चल रहे, लेकिन टोटल नंबर 291 292 is changing real time अभिषेक। और यूपी की लीड पर खास नजर रखिए, क्योंकि 80 सीटों में 70 सीटों की लीड आ गई। 60 पर एनडीए आगे चल रही है, इंडी अभी 10 पर आगे चल रही है और ये ऊपर नीचे होगा, अभी ये शुरुआती ट्रेंड्स है। लेकिन 60 पर आगे चलना अभी इसका सीधा मतलब क्या है? चंद्रबाबू नायडू आगे चल रहे हैं, पंजाब की सिचुएशन थोड़ी बदल रही है। कांग्रेस पंजाब प्रेसिडेंट अमरिंदर वड़िंग, राजा वड़िंग पीछे हो गए। अब लुधियाना से वैभव गहलोत जो आपने बताया था अर्नब, उनका गैप और बढ़ गया है, वो और हार रहे हैं अभी।